हेलो डियर स्टूडेंट्स आज चैप्टर टेन की जो बुक एक्सरसाइज है वो हम करेंगे इसमें चैप्टर का नेम क्या था आपका वाटर फ्लोज फ्राम अपसाइड टू वर्ड डाउन साइड okay, ओके डियर स्टूडेंट्स यानी कि पानी का जो भाव होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है क्वेश्चन फर्स्ट है आपका वाटर फ्लोज डाउन वर्ड पानी नीचे की तरफ बहता है हाउ कैन यू यूज़ दिस फीचर ऑफ वाटर आप मतलब उसकी ऐसी कौन तो सी ऐसी विशेषताएँ हैं जो मतलब उसको यूज कर सकते हैं इस वाटर के लिए मतलब आप वो इस पानी को कहाँ कैसे यूज़ करते हैं कहाँ यूज़ करते हैं कहा, कहाँ कहाँ उसके लिए हम इसमें डायरेक्ट करेंगे दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग जनरेटिंग यानी कि पानी पीने के लिए और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर इरीगेशन और सिंचाई के लिए भी उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए भी पीने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं वाट इज़ द वे ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम वेल यानी कि कुएँ से पानी निकालने का क्या तरीका होता है वो आपको बताना है क्या विद द हेल्प ऑफ रोप एक रस्सी की सहायता से एंड बकेट एक बाल्टी की सहायता से मतलब देखा होगा आपने कुएं के अंदर जब पानी निकालते हैं तो उसमें एक बकेट होती है और एक आ, रोप होती है वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वेल मोटर पंप और पानी को आ, उसे मोटर पंप से बाहर निकाल लिया जाता है रेट आल्सो सो आल यूज टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल और कुओं से पानी निकालने के लिए भी रेड जो है आपका रेड जिसे बोलते हैं उसका भी उपयोग हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपका इफ द वाटर लेवल ऑफ ए वेल गोज डाउन यदि वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है तो हाउ कैन वी गेट वाटर यूजिंग रेड यानी कि आप रेड से कैसे पानी निकालेंगे एट फर्स्ट वाटर लेवल शुड बी मेड इक्वल टू द रेड लेवल यानी कि रेड का जो लेवल होता है उसके इक्वल uh, करेंगे पानी के लेवल को उसके और रेड को और फिर आफ्टर दैट वी कैन गेट वाटर आउट ऑफ द वेल फिर हम कुएं से पानी निकाल सकते हैं वाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांस इरीगेशन uh, इरीगेशन के जो साधन होते हैं उनका आपको बताना है ट्यूब वेल well है मोटर सेट है पम्प सेट है रेहट right है वेल्स हैं कैनल्स हैं बावरी है डैम है टैंक है ये सब हमारे किसके पानी के ही साधन होते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका नेम एनी थ्री क्रॉप विच रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ जिसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मतलब कौन कौन सी फसलें होती हैं पी है ग्रैम है अनियन है इनको हमें कम पानी में भी हम उगा सकते हैं तो ये हमारी क्या हुई कम पानी में उगने वाली तीन फसलें हैं अब मैं आपसे बता देती हूँ कि मैं आपका एक टेस्ट डालूंगी फर्स्ट टू टेंथ चैप्टर तक का आपको फर्स्ट टू टेंथ में मेरे क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज और अच्छे से बुक रीडिंग भी करनी है बुक के अंदर से भी आपके कुछ क्वेश्चंस डाल सकती हूँ जो आपको राइट करने होंगे और जब भी आपके स्कूल ओपन होते हैं तो हम उसको चेक करेंगे तब तक आप एक फाइल बना के उसमें उन पेपर्स को रखेंगे ओके डियर स्टूडेंट्स थैंक्स